मैथ्स वाइज बुक फोर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 15 पेज नंबर 21। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है 12, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6405 नंबर से। अब सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे तो 12 का टेबल आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर भूल जाएं तो आप यूँ लिख लें 3 2 6 और 3 1 3। इसी तरह 4 2 8, 4 1 4, 5 2 10, 1 कैरी ऊपर, 5 1 5 1 6, 6 2 12, 6 1 6 and 7। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास है 64, ये रहा 60, यानी 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12 5 60। ये लाइन हमने एक्सटेंड की, यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये आ गया इनटू, ऊपर से आ गया 0। अब देखें किस टेबल से जा रहा है, अब जा रहा है 36, यानी देखा जाए 40 से कम क्या है 36। 12 3 36, रिमेनिंग नंबर इज 4, 1 कैरी इधर दिया, ये 4 हो गया, ये हो गया 3, तो हमारा आंसर आया 4। अब ऊपर से हम 5 लिखेंगे और 12, फिर से वही चीज़ आ रही है। अगर हम उसको एक्सटेंडिंग देंगे 4 से देते हैं तो हमारे पास 48, लेकिन हमारे पास क्या है 45, तो इसका मतलब हम दोबारा से 3 से देंगे 12 3 36, 1 कैरी यहाँ आ गया 3। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये हो गया इन टू, ये रिमाइंडर आ गया आपका 9। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है 6 7 0 6 डिवाइडेड बाय 43। 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 1 कैरी ऊपर, 2 यहाँ, 4 4 16, 1 17, 5 3 15, 5 4 20 और 1 21। अब हम देखते हैं हमें कहाँ तक चाहिए 67। 67 में नहीं है, ये तो 43 के टेबल 1 से ही जाएगा, क्योंकि 2 से 86 आ रहा है, तो 43 वंस आर 43। ये हमने माइनस किया, ये आया 4, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 2। 43 है और ये 24 है, और यहाँ से हम 0 लगाएंगे, 240 हो गया। अब हम देखते हैं ये किस टेबल से जाएंगे, 245, इसका मतलब है ये 5 से जा रहा है, क्योंकि 215 है। 43 5 215, ये हमने माइनस करना है, 1 कैरी दिया, यहाँ हो गया 3, माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 में से 1 गया 2 और ये आ गया इन टू, ऊपर से आ गया 6, 256। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे यही नंबर आना है, क्यों, क्योंकि अगर हम 43 को 6 से लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 6 3 18, 6 4 24, 125 258, तो ये 258 तो नहीं आ रहा है, तो किससे जाएगा 43 5 215, और ये माइनस किया 1, माइनस किया 4 और ये आ गया n2।